उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अधिक से अधिक लोगों को योग का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 15 जून से 21 जून तक योग सप्ताह मनाया जाए। शुक्रवार शाम को जारी एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को यहां अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक बैठक में मंत्रियों और शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के योजनाओं के दृष्टिगत की जा रही तैयारियों की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग भारतीय मानसा द्वारा विश्व मानवता को प्रदान किया गया वह अमूल्य उपहार है जो शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। सीएम योगी ने कहा, हमारे ऋषि मुनियों के इस प्रसाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को परिचित कराया है। इस वर्ष 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय हर घर आंगन योग रखा गया है, जिसे योग के माध्यम से प्रत्येक परिवार को कल्याण एवं स्वास्थ्य प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अधिक से अधिक लोगों को योग का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 15 जून से 21 जून तक योग सप्ताह मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग सप्ताह की अवधि में जनपद मुख्यालयों पर सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इसके अलावा उन्होंने विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूलों और कॉलेजों में योग से संबंधित सेमिनार, कार्यशाला आयोजित किए जाने का सुझाव दिया। सीएम योगी ने कहा कि योग सप्ताह के विविध कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए। इस बैठक के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया कि सीएम योगी ने बैठक के दौरान कहा, सभी पुलिस लाइंस पीएसी बटालियन को योग दिवस के मुख्य आयोजन से अवश्य जोड़ा जाए। कार्यक्रम स्थलों की सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस बल की सतत पेट्रोलिंग होनी चाहिए।